बच्चों कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल साइंस एवरीवेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के लेसन वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बच्चे इस पाठ में इसको लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स के बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैं आप लोगों को जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट्स के सिंबल लिखने में, कंपाउंड्स का फार्मूला लिखने में बच्चे क्या गलती करते हैं, और उस गलती को आपको दोहराना नहीं है, तो उसके लिए आप ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन क्योंकि एच से शुरू होता है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो होता है एच। अब क्योंकि हाइड्रोजन एच से शुरू होता है इसके लिए हमने एच इस्तेमाल कर लिया है, और एक दूसरा एलिमेंट जो कि हीलियम है वो भी एच से ही शुरू होता है, तो अब एक बार जब एच आ गया है तो अब हम हीलियम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक और लेटर ले लेते हैं, वो दूसरा लेटर स्मॉल होता है, पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। इसी प्रकार से तीसरा कार्बन के लिए सी, कैल्शियम के लिए सी ए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। तीसरा इसके लिए कोबाल्ट, सी कैपिटल और ओ स्मॉल। कुछ बच्चे सी और ओ कैपिटल लिख देते हैं या सी को छोटा ओ को बड़ा अपने हिसाब से लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन में इसको ऐसे लिखना है Cl। अब जैसे फर्स्ट लेटर वाला कोई एलिमेंट है, यानी ऐसा एलिमेंट जिसको हम सिर्फ सिंगल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें एक नहीं दो लेटर आते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये हीलियम है तो हीलियम में एस तो कैपिटल हो गया, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें तो ये तो सही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम गलत कहेंगे, ये सही तरीका नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम की कार्बन के लिए तो ठीक है, और कैल्शियम में दो लेटर हैं, एक कैपिटल सी और स्मॉल ए, अगर इसको हम इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों स्मॉल लेटर, तो ये भी गलत कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर कोबाल्ट को हम इस कैपिटल और स्मॉल सी ओ की जगह अगर हम इसको ऐसे लिख दें इस प्रकार से, तो ये जो यानी सी स्मॉल और ओ स्मॉल, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो ये भी क्या है, ये गलत तरीका कहलाएगा, इसलिए सही तरीका ये है। इसी प्रकार से हम क्लोरीन को ऐसे लिखें जैसे स्मॉल स्मॉल सी और ये स्मॉल एल, इस प्रकार से, तो क्लोरीन के लिए ये जो ये सैंपल हमने लिखा है इसकी जगह अगर अपन ये सैंपल या इस प्रकार से लिखें तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये रॉन्ग कहलाएगा। इस प्रकार से हमें जो है, जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हमको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा एक एलिमेंट है नियॉन, तो कैपिटल एन स्मॉल ई, अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें तो ये रॉन्ग नोटेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और लिखने का जो सही तरीका है उसको फॉलो करेंगे। इसी प्रकार बच्चे जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को लिखने में भी बहुत सारी गलती करते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम एच कैपिटल, एक एलिमेंट ये हो गया और दूसरा ये एच सी एल, इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये सही तरीका है। और कुछ बच्चे जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कुछ बच्चे शायद ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर ये स्मॉल सी हो गया और स्मॉल एल, जो कि ये क्या है, ये गलत हो गया। इसी प्रकार से वाटर के लिए फार्मूला ये कैपिटल, फिर यहाँ पर टू अपन ने लिखा, यहाँ पर अपन ने वो लिखा, तो इस वाटर का फार्मूला क्या हुआ, H2O। तो अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये H20 दिख रहा है, जो कि एक गलत तरीका है, सही तरीका ये है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सी, ये कैपिटल सी लिखा, फिर कैपिटल ओ और ओ के बाद यहाँ पर टू, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हुआ CO2। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अपन किस प्रकार से लिखेंगे, इसको अपन कैपिटल सी कैपिटल ओ, इस प्रकार से, अगर इसको अपन इस प्रकार से लिख देते हैं या ऐसे लिखते हैं, ये दोनों ही तरीके क्या कहलाएंगे, ये गलत कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है,
कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अपन ये कैल्शियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और ये थ्री CaCO3। तो ये सही तरीका, यानी सी कैपिटल स्मॉल ए, यानी ये कैल्शियम हुआ, फिर ये कार्बन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हुआ। तो यहाँ पर फार्मूला तो आप जानते हैं, लेकिन उन फार्मूलों में उन लेटर्स को कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर तरीका आपको बता रहे हैं, जो कि बच्चे अक्सर लिखने में गलती कर देते हैं और उसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं और कभी कभी समझने में भी दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पर ये एक दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इस मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लिखेंगे MgCl2 इस प्रकार से। यानी आप देख रहे हैं ये कैपिटल, ये स्मॉल, फिर ये कैपिटल सी, फिर ये स्मॉल एल, और यहाँ पर अलग से यहाँ पर टू नंबर क्लोरीन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जिसके जितने एटम हैं। तो इस तो एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए, इस तरीकों को आप लोग को फॉलो करना है। यानी कि आपको ये नहीं मानना है कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिखने के अलग तरीके होते हैं, और केमिस्ट्री में जो हम एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में जो भी हम उनका फार्मूला लिखते हैं तो उसका एक निश्चित तरीका होता है। तो कौन सा कैपिटल होना चाहिए, कौन सा स्मॉल होना चाहिए, आप बुक्स में देखिए और मैंने जो वीडियो यहाँ पर बनाया है इसका हेल्प लीजिए, और भी अन्य एग्जाम्पल लीजिए, और फार्मूले से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और बुक्स को पढ़िए। और आगे जो है मैं आपको केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके प्रश्न हैं इस पार्ट से जुड़े हुए उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।